तारीख है 27 जुलाई 2023। सुबह सुबह मैं 5 बजे के आसपास सो के उठ गया था और फिर उस समय का मैंने सीन रिकॉर्ड किया। फिर ये 6 बजे के आसपास का सीन है जब मैं सो रहा था। थोड़ा आलस ज़्यादा आ रहा था तो उठ पाया नहीं। फिर बाहर निकला और फिर सोचा कि फ्रेश व्रेश होके आता। फिर जल्दी मैंने प्रीतम से कहा कि चलो चलते नहाने के लिए यार, बाहर चलते हैं ना नदी के पास। उसने कहा नहीं यार, नदी नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, उसने मना किया तो मैंने यहीं पर नहा लिया। फिर नहाने के बाद का सीन है, जब तैयार हुआ मैं, उसके बाद आज तो बहुत सारे डंफर लगातार आए, कुछ गिट्टी लेके आए, कुछ रेता लेके आए लगातार। तो बिल्डिंग में मतलब कि अभी काम बहुत कुछ होने वाला है, तो पहले ही एक्स्ट्रा माल बुलवा लिया गया, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि बारिश लगातार आए और काली मिट्टी है तो ये फिर मौका देगी नहीं कि हम सामान ला पाएँ। तो उससे पहले सामान को मंगवा लिया गया, एक्स्ट्रा सामान। क्या हुआ कि अभी जब दोपहर का समय, खाना पीना खाने के बाद, फिर मैं 12:30 बजे का समय हुआ तो मैं सो गया। फिर सो गया तो उठा 2:30 बजे के आसपास। फिर उसके बाद काम लिखना मैंने शुरू किया। थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इस पानी में कुछ तो गड़बड़ है यार, पानी में गड़बड़ है क्या है इस वजह से। चलो ठीक है, फिर जब सो के उठा तो फिर ये काम देख ही रहा था, साथ में ये सीन देखने को मिल गया, तो ये सीन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और फिर आज लगा था जो ये कॉलम्स है, कॉलम्स में काम चल रहा है, जितनी भी गाबड़ी लगाई गई है और गाबड़ी जिससे जो ढल गए हैं कॉलम, उन कॉलम को निकाल के मतलब उसमें अब फुटिंग के आसपास बेस के लिए पतली पतली लेयर कंक्रीट डाल दी गई है, और जो गाबड़ी लग गई है जिसमें उसमें कंक्रीटिंग करा गया लगातार। तो दोपहर भर यही काम चलता रहा, शाम को भी थोड़ा बहुत यही काम चला, और फिर आखिरकार फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। फिर चाय वाय पिया हमने, वही शाम का सीन है जब ये काम ख़त्म होने वाला था। तो एक गौधोली की बेला है, लगातार जानवर गए और ये शाम का समय हो गया और ऐसा कटा आज का दिन।